हाय मेरे YouTube फैन भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो यार? तो पहले तो आई एम रियली सॉरी, मैं दो तीन दिन तो क्या है उससे ज़्यादा ही वीडियो बहुत ज़्यादा स्किप मार रहा हूँ, मतलब नहीं अपलोड किया। तो पहले तो सॉरी भाई, क्योंकि क्या बताऊँ, मैं अपनी मम्मा से मिलने चला गया था जिस कारण से वीडियोस नहीं आ पाता यार, समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम। बहुत दिन हो गया था, 3-4 महीना हो गया था गए हुए घर, जिस कारण से घर जाना पड़ा था। तो गाइस आज मैं जो गाड़ी लाया हूँ ना, बता तो आपको लाख से नीचे मिलने वाला, यानी कि जो होता नहीं है 40,000, 50,000, 60,000 उतने प्राइस में मिलने वाला है ये गाड़ी जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। वैसे एक बात और मैं क्लियर करता हूँ, वीडियोस जो है डिमांडेड वीडियो है। अब डिमांडेड वीडियो का ये मतलब नहीं है कि भाई जो डिमांड किया बस वही ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेशक उनको ना पसंद आए तो कोई और भी लेगा, या फिर अगर उनको पहले पसंद आ जाए या फिर उनसे भी पहले कोई और को पसंद आ जाए तो ले सकता है। वैसे मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप जो भी स्टेट में रहते हो ना फटाफट कमेंट कर दो, कोई भी गाड़ी चाहिए हो ना मैं रिव्यू किया करूँगा, साथ में प्राइस भी लिख दीजिएगा। वैसे बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है तो सभी लोगों का मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ। तो गाइस आज जो गाड़ी लाया बिल्कुल धमाकेदार गाड़ी है, टॉप एंड मॉडल गाड़ी है। फीचर्स का बात करेंगे तो भर भर के मिलने वाला है। गाड़ी का नाम है टाटा नैनो, गाड़ी तो जानते ही होंगे यार, हमारे चैनल पे फेमस कार है टाटा नैनो, जो कि हर वीडियोस लगभग चलता है और मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज़ देख करके। और मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स सारे गाड़ी को सपोर्ट करें और बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दे वीडियोस के ऊपर। जो लोग चैनल पर जो गलती हो गई यार माफ़ करो, क्या कर सकते हैं, बच्चे बच्चे से ही गलती होगा। तो मैं बता तो स्टूडेंट हो यार, मैं कुछ काम वाम नहीं करता ठीक है। और ये जो गाड़ी देख रहे हो मेरी गाड़ी है ठीक है, ना कि कोई और की है। बस वैसे ही रात रात को गेरी मारते फिरता हूँ, मतलब पंजाबी लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारे लैंग्वेज में बोला जाए तो घूमते रहता हूँ यार रात वात को। कभी कभार पेट्रोल के पैसे होते नहीं है, जुगाड़ करके घूमना पड़ता है, यानी नाइट आउट पर नहीं जाता यार। मैं रियलिटी बताऊँ वीडियोस बनाने के लिए खास करके बाहर निकलता हूँ, क्योंकि घर पर मुझे भाई पीछे से गाड़ी आ रही है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, रोड पर हैं तो चलेगा इतना, क्योंकि अभी घड़ी में बज रहे 2 और जो है ना सारे ट्रक वाले ही चल रहे हैं। डर भी लगता है कौन पीछे से उड़ा दे, कोई पता नहीं, वैसे तो बोलने लायक नहीं है सब। तो ज़्यादा बकवास हो गया यार, बहुत ज़्यादा आप लोग से बात मैं कर लिया, फिर आप लोग बोर हो रहे होंगे। चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ गाड़ी। तो गाइस यहाँ पे आप गाड़ी देख सकते हो, व्हाइट कलर का गाड़ी है। वॉइस में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मेरे बगल से ट्रक पास हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो गाइस मेरे पास मेरे सामने जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का टाटा नैनो है, जिसका देख सकते हो बम्पर और कल बॉडी कलर दोनों आपको व्हाइट ही देखने को मिल जाएगा। फॉग लैम्प का स्पेस तो है गाड़ी के अंदर, बट फॉग लैम्प मिलता नहीं है भाई, फॉग लैम्प गैप है। हेडलाइट का बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है, हाइलोजन लाइट है जस्ट उसके ऊपर में, आपको साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड साइड से बात करें तो गाइस साइड से भी गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा है। टायर का बात करें तो लगभग 60-70% टायर अभी बचा हुआ है, एंड एलॉय कवर भी आपको टायर के अंदर देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड पीछे से दिखाओ तो गाइस देख सकते हो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी भाई ने करा रखा है गाड़ी के अंदर। जैसे कि टेन लैम्प का बात करें तो देख सकते हैं टेन लैम्प पे थोड़ा बहुत रैपिंग किया गया है ब्लैक कलर में, और पीछे से भी लुक काफ़ी अच्छा है। टाटा का बैजिंग है, एक बात और मैं बता दूं, इसका पीछे से बूट को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि यार दिस कार इज टाटा नैनो, तो आपको पता ही होगा मेरा भाई बूट इसका ओपन नहीं होता है। फ्रंट से भी आपको मैंने दिखा दिया था, एक बार और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल वाइपर आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है, भाई नैनो के अंदर सिंगल वाइपर ही आता था, तो क्या कर सकते हैं। ओआरवीएम का बात करें तो ओआरवीएम गाड़ी का ओके है, टूटा फूटा नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपना स्टेपनी गाड़ी का, भाई 4 टायर के साथ 1 टायर फ्री मिलने वाला है, जो कि हर गाड़ी का मिलता है भाई। 5 टायर आपको मिलने वाले हैं, साथ में पेट्रोल और पानी जो भी डलता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी पानी और पेट्रोल दोनों से चलता है भाई, ध्यान रखना पानी ना डालोगे तो भी खराब हो जाएगा। मेरे ये जो गाड़ी जिसमें बैठा हूँ इसके अंदर पानी ना डालने के कारण से इसका रेडिएटर कि वैसे इसके इंजन में प्रॉब्लम आ गया था, तो समझ सकते हो गाड़ी के अंदर पानी में पेट्रोल इतना ही जरूरी चीज है ठीक है। तो भाई गाड़ी मैंने लगभग सब कुछ आपको अच्छे से दिखा दिया। तो बात कर ले और भी गाड़ी के डिटेल का, तो भाई स्टार्टर नैनो 2012 मॉडल है, और मैं बता दूं इसके बारे में तो इसका प्राइस बताऊंगा वीडियो के एंड में। थोड़ा सा हाइप बना के रखो यार, थोड़ा सा यार वीडियो को एंड तक देखो, कमेंट मारो ताकि हमें भी मजा आए आपको भी मजा आए। तो गाइस पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, कितना किलोमीटर चला हुआ है तो काफ़ी कम चला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 55,000 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ है। एंड गियर बॉक्स बताऊँ तो आपको मैनुअल गियर देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई मैनुअल गियर चलाने का जो मजा है ना सच्ची बता रहा हूँ ऑटोमेटिक में नहीं है। मुझे भी पहले नहीं आता था गाड़ी चलाने, और मैं सोचा था सीधा ऑटोमेटिक गाड़ी लूँगा, बट पैसे यार औकात पता नहीं है तो मैं ले नहीं पाया, सीधा मैनुअल गाड़ी मुझे मिला, वो भी मेरे भाई का गाड़ी है ना कि मेरा गाड़ी है ठीक है भाई। तो मुझे मैनुअल गाड़ी मिला चलाने को और सीख गया, उसके बाद तो मज़ा ही आ जाता भाई, मज़ा कार देते हैं। ऑनर का बात करें तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी, एंड लोकेशन बताऊँ मुंबई का गाड़ी है मेरा भाई। MH नंबर देख लेंगे गाड़ी का, नंबर प्लेट आप लोग तो पता लग ही गया होगा वैसे भी। अब बात कर लो थोड़ा प्राइस का, तो गाड़ी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये है, जो कि नेगोशिएबल है ना कि फिक्स प्राइस है भाई, प्राइस कम हो जाएगा सो डोंट वरी। अल्ताफ मोटर्स का गाड़ी है, कॉन्टैक्ट नंबर का बात करें किस तरीके से कॉन्टैक्ट हो सकता है, किस तरीके से आप इस गाड़ी को
बाई कर सकते हैं, ठीक है, बाई काफी इजी यार बाई करना, करना कुछ नहीं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाना है, कॉन्टैक्ट नंबर उठाना है एंड अपने नंबर में मतलब फ़ोन में डायल करना है, उस नंबर पे कॉल करेगा, ऑनर से सीधा बात करेगा यार, प्राइस जितना हो सकता है उतना डिस्कस करिए, जितना हो सकता है उतना प्राइस को दबा देना है, जितना हो सकता है उतना कम करा लो यार, मैं बोलूँगा 0 रुपये, 0 रुपये नहीं देगा ना यार, यही दिक्कत है। फिर भी यार 30-40 हज़ार कराने का कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से देखा जाए तो भाई इसका यही रेट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बाकी अगर आपको ज़्यादा भाई चढ़ी हो नशा गाड़ी लेने की, टाटा नैनो की, तो भाई ले लो यार 50 हज़ार में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा गाड़ी चाहिए तो बेशक कमेंट ठोको आपका भाई जिंदा यार रिव्यू करने के लिए। होप करते हो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो भाई, एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक से ना मैं बहुत मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो बनाने का ना कतई मज़ा ही आ जाता है। तो मिलता है अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखे, जय हिंद, जय भारत।